हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि घर पर मिलस्टोन कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिलस्टोन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक लकड़ी का गट्ठा ले लेना है और उसे मिलस्टोन का शेप दे देना है। जब हम इसको मिलस्टोन का शेप दे देंगे तो दोस्तों हम इस पर सबसे पहले वाइट कलर करेंगे, क्योंकि मिलस्टोन वाइट कलर और येलो कलर दोनों से मिलकर बनाते हैं उसको। तो चलो हम इस पर कलर करते हैं और बात भी करते हैं कि मिलस्टोन होता क्या है। आप दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप हाईवे पर जब सफ़र करते हो तो आप देखते हो कि आपको कहीं शहर जाना है तो हाईवे के जो बगल से पत्थर का जो बोर्ड लगा रहता है एक तरह का, जो हमें बताता है कि ये शहर यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर रह गया है, इस शहर का नाम ये है, इतना सब कुछ दिया रहता है, हमें जानकारी दी रहती है, उसे ही मिलस्टोन बोलते हैं। हाँ, हाईवे पर जो बगल से लगा रहता है, जो शहर की डिस्टेंस बताता है, उसे ही मिलस्टोन कहते हैं, जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें वाइट लकड़ी का गट्ठा लेना है और उसको उसी तरह का शेप देना है जैसा कि मिलस्टोन का होता है वाकई में। तो हम इस पर वाइट कलर करते हैं और मैंने वाइट कलर करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो हम जो थोड़ा सा रह गया है उसे भी हम पूरा वाइट कर देंगे, बिल्कुल पूरा वाइट कर देंगे। और ये भी देखते ही रहना है कि कुछ भी स्पॉट रह ना जाए जिससे हमारा मिलस्टोन है वो अच्छा ना लगे, इसलिए हमें अच्छी तरह से वाइट कलर कर देना है उस पर। ये देखो थोड़ा थोड़ा रह गया है तो मैं उस पर भी ब्रश मार रहा हूँ, क्योंकि हमें बनाना है तो फिर अच्छी तरह से ही बनाना है इस चीज़ को। अब जो थोड़ा सा रह गया है उसे वाइट कलर से मैं पूरा कर दूँगा। एक बार और मैं ऐसे करूँगा ताकि बिल्कुल भी रहना चाहिए। यहाँ से अब जो मिलस्टोन पर जो है उस पर वाइट कलर मैं पूरा कर चुका हूँ और इसे 2 मिनट के लिए होल्ड कर देंगे और इसे सुखाने के लिए रख देंगे, ताकि जो सूरज की रोशनी से थोड़ा कलर लेकर एब्जॉर्ब करके किरणों को अच्छी तरह से चमक दे सके हमें। अब ये देखो यहाँ पर वाइट कलर पूरा हो चुका है। अब जी अच्छी तरह सूख चुका है और अब हम इस पर दूसरा कलर करने जाएंगे। दूसरा कलर लेंगे, आप सभी को पता है मिलस्टोन पर येलो कलर भी होता है। ये देखो मैं येलो कलर को ओपन करूँगा, अब मैं इस पर येलो कलर भी करने जा रहा हूँ। अब येलो कलर लेकर मैं इसे मिलस्टोन को येलो कलर भी करूँगा। आपको पता है दोस्तों वैसे मिलस्टोन पर येलो कलर ही क्यों रहता है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब मैं येलो कलर इस पर करूँगा, ये देखो। और हाँ, इस तरह से कलर करना है कि थोड़ा सा भी रहना जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी रह जाएगा तो ब्लैक स्पॉट अच्छी तरह से अपने आप चमकेंगे तो इतना मज़ा भी नहीं आएगा मिलस्टोन में, ठीक है। अब इस पर मैं येलो कलर करने आ रहा हूँ। मैंने एक पहले सीधी लाइन खींची थी ताकि ये इधर उधर ना हो और हमें ज़्यादा भद्दा ना लगे ये। तो मैं इसे अच्छी तरह से येलो कलर से कर देता हूँ। ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा भी रहता उसे भी कर देता हूँ। और जी अगर हम इसे येलो कलर को डायरेक्टली करते थोड़ी सी जगह छोड़ के तो उसमें इतना चमक नहीं आती थी, क्योंकि उस पर लकड़ी पर हम डायरेक्ट येलो कलर करेंगे तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, इसलिए हमने पहले पूरा वाइट किया और इस पर हम येलो कलर कर रहे हैं। अब ये येलो कलर पूरा हो जाएगा तो फिर इसे हम 1-2 मिनट के लिए होल्ड पर रख देंगे सुखाने के लिए, ताकि ये सूरज की रोशनी से थोड़ा और चमकदार दिखे। ये देखो अब अच्छा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद से हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है इस पर 3 इंडिया भारत, ठीक है, और हमारा पीछे भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद आए, आप जिस शहर में रहते हो वो लिख सकते हो। और अगर आप कॉलेज वगैरह का कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो और किसी शहर को डिफाइन कर रहे हो तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैंने इस पर लिख दिया है शिक्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जो कुछ भी हो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। दोस्तों ये आज का टॉपिक था कि मिलस्टोन बनाने के लिए, तो हमने मिलस्टोन बना के दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।